नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मधुमालती के प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी। ये देखिए, मेरा मधुमालती का प्लांट है। मधुमालती को दो तरह से लगाया जा सकता है, एक कटिंग से और या एक कहीं आपको छोटा पौधा हो तो उसको आप जड़ सहित निकाल के और मिट्टी में, चाहे आपको ज़मीन में लगाना हो चाहे गमले में, उसको लगा दें, बढ़िया पौधा हो जाता है। ये देखिए, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। ये पिछले साल मैंने कटिंग से लगाया था और ये मेरे कटिंग से लगा हुआ पौधा है। वो देखिए कितना बढ़िया और कितना बड़ा हो गया है। मधुमालती एक बेल वाला प्लांट होता है और इसके पौधे में देखिए, शुरू में लगाएंगे और फिर बहुत ब्रांचेस निकलती हैं और इसमें फ्लावरिंग होती है पंच में। इसके गुच्छे गुच्छे फूल आते हैं। इसको झुमका बेल भी कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर जो होते हैं वाइट कलर के और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में और बहुत अच्छे निकलते हैं इनमें। और गुच्छे गुच्छे ज़्यादातर लोग इसको घर की सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है, गेट के सामने या दीवारों पे चढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत जब गुच्छे में लगे हुए फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इनमें भीनी भीनी खुशबू भी होती है। और ये गर्मी का बहुत ही प्यारा फूल है। गर्मी से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बरसात भर फ्लावरिंग करता है। केवल जाड़े में ये डोरमेंसी में चला जाता है, जाड़े में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, इवन कि इनकी पत्तियां भी गिर जाती हैं। फिर जैसे ही जो है स्प्रिंग सीजन आता है जनवरी के लास्ट से, इनकी आप थोड़ी बहुत केयर करके इनकी मिट्टी भुरभुरी गुड़ाई करके भुरभुरी बना के इनमें फर्टिलाइजर वगैरह डाल दीजिए, फिर ये दोबारा सरवाइव करने लगता है। और इसके लिए मिट्टी, बेलडंड मिट्टी चाहिए। और अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़ा बड़े साइज का पॉट चाहिए इसके लिए। ये देखिए, ये मैंने जैसा कि यूज़ किया है ये पॉट, थोड़े बड़े साइज के गमले का चुनाव करें और उसमें बेलडंड मिट्टी भर दें और जो है और उसमें न्यूट्रिएंट्स, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, और अगर आपके पास है तो आप उसमें थोड़ी सी जो है नीम खली, सरसों की खली का चूरा सब डाल के बेल न्यूट्रिएंट मिट्टी बना के और उसमें लगा दीजिए। कटिंग लगाएंगे तो भी, और अगर आपको छोटा पौधा जड़ सहित मिल गया है तो वो भी बहुत बढ़िया से लग जाता है। इसको आप ये प्रक्रिया जुलाई अगस्त में करें या इधर फरवरी मार्च में तो बहुत अच्छे से लग जाएगा और आपको पौधा तैयार मिलेगा। और इसको पानी चाहिए होता है, ये पानी की रिक्वायरमेंट इसकी होती है। गर्मी के दिन में तो सुबह आप पानी डालेंगे, शाम तक पानी सूख जाता है, तो गर्मी के दिन में इनमें दोनों टाइम आप पानी देते रहिए। और बाकी जाड़े में तो बहुत पानी, हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी पड़ जाए। वैसे भी पत्तियां नहीं होती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं सूखता। जब पत्तियां होती हैं, पत्तियों से ही उनको न्यूट्रिशन मिलता है तो हर चीज़ें ज़्यादा सोसी ऑब्जर्व करता है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। और धूप, धूप इसको बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी जगह इसको अगर आप गमले में लगाए हैं तो ऐसी जगह लगाइए कि जहाँ इसको दिन भर की धूप मिलती है, तब इसमें बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग मिलेगी। और डिजीज़, इसमें तो डिजीज़ हमने अभी देखा नहीं। हाँ, ज़्यादा धूप होती है तो पत्तियाँ हल्की झुलस जाती हैं। और इनमें ओवर वाटरिंग भी ना हो बहुत,
ओवर वाटरिंग हो जाती है तो भी पत्तियां, इधर बारिश बहुत हुई तो देखिए कार्ड पत्तियां ही मेरी है, देखिए खराब हुई है, देखिए ये पत्तियां खराब हुई है, देखिए बहुत ज्यादा पानी बारिश इधर हो गई। इधर तो जैसे बरसात की मानसून की बारिश हो रही, हर हफ्ते बारिश होती है। ओले भी पड़े थे कल परसों की रात में लखनऊ में, तो इसकी वजह से कुछ इसकी पत्तियां कुछ कुछ खराब हुई हैं, बाकी तो पौधा बहुत सही है। और इसमें बीच बीच में जब फ्लावरिंग का समय हो तो इसमें बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइजर का भी यूज जरूर करें, 15 दिन बाद आप मस्टर्ड केक की फर्टिलाइजर या बनाना पील या जो भी आपको किचन वेस्ट की आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, कंपोस्ट टी, कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर होती हैं, इनका यूज 10-15 दिन पर करते रहिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने मधुमालती के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। मेरा एक वीडियो इसकी कटिंग लगाने का है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहां देख लें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।